सुनीत, लता, कुलश्रेष्ठ, मेरे गार्डन की मिट्टी में पता नहीं क्या कमी है कि कुछ पौधों की पत्तियां धीरे धीरे सूखती जा रही है। आज पौधा ठीक है और कल देखा तो पौधा मर गया, मैं क्या करूं? सुनीत लता कुलश्रेष्ठ, सुनीत लता जी, अगर सारे पौधों में ऐसा हो रहा है सो मुख्य कारण यह है कि आपके पौधे की जड़ें ठीक से फैल नहीं पा रही है। जब भी पौधे पर ऊपर से कोई अटैक होता है, जैसे टेम्परेचर है, इसको एक्सटर्नल अटैक है ना, कोरोना हमारा एक्सटर्नल अटैक है, हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ रही है, हमारी इम्यून सिस्टम उतनी ही उससे लड़ पाती है जितनी आपने जिंदगी भर उसको स्ट्रांग बनाया है। पौधे की इम्यून सिस्टम, डायनेमिक इम्यून सिस्टम बढ़ती है या कम होती है उसकी जड़ों से। सो अगर आपके यहाँ पर लगे हुए सारे पौधे इस तरह से हो रहे हैं, टेम्परेचर तो एक कॉमन फैक्टर है, अगर आपके पौधे की जड़ें अच्छी है तो ये टेम्परेचर उस पौधे को मारेगा नहीं, 5-10 पत्तियाँ उसकी जला देगा पर पौधे को मारेगा नहीं। और अगर आपके पौधे पत्तियां सूख कर मर गए हैं, मर रहे हैं, तो माने उसका रूट सिस्टम ठीक नहीं है। तो रूट सिस्टम ठीक नहीं है माने क्या, आपकी मिट्टी कहीं पर टाइट है। अब आपकी मिट्टी टाइट होने के दो कारण हैं, या तो मिट्टी ही आपने ठीक से वो भुरभुरी बनाई नहीं है, या तो मिट्टी में पानी रुक रहा है और जो जड़ें बढ़ रही है वो पानी में रह के सड़ रही है, दो ही कारण होते हैं। सो मिट्टी ठीक करें, ऐसे ठीक करें कि आप चाहे जितना भी पानी डालें वो नीचे चला जाए, पौधों के जड़ों के पास नहीं रहे। सो आपका उत्तर है, आपको अगर इसमें से खुद का कुछ रिसर्च करना है, ढूंढना है कि क्या गलती जा रही है, सो कोई भी पौधा उखाड़ के देखे उसका रूट सिस्टम एकदम भरा हुआ होना चाहिए, माने बिल्कुल बहुत सारी जड़ें होनी चाहिए, लंबी जड़ें होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं दिख रही है, उसका रूट सिस्टम इक्का दुक्का, अगर आपको इक्का दुक्का जड़ दिख रहा है या 3-4 जड़ें उसकी, बस 3-4 ब्रांचेस दिख रही है, तो आपकी मिट्टी ठीक करे, पानी अपने आप ठीक हो जाएगा, पौधा अपने आप ठीक हो जाएगा।